तो ये देखिए भूत, मैं अब भूत को लेकर के अपनी बाइक, हाँ ये देखिए दोस्तों भूत भूत देखिए इन दिनों का बहुत सही सुपर सुपर अय्या भाई बहुत सही चलो ओ इधर ओ हीरो चलो इधर ओ भाई ये देखिए बाहुबली देखिए गाइस यहाँ पे कन्हैयालाल भैया झूले का आनंद और यहाँ पे देखिए बाहुबली का और ये देखिए दोस्तों शुरू करते ना गाइस चक्कर आ गया झूले का अरे अरे सच्चा के ओके अरे रंग दा भैया भैया नमस्कार प्रणाम स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग पर। कैसे दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आप लोगों के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी शाम के लगभग 5 बजे हैं और मैं फिलहाल इस समय बुलंदशहर में हूँ और मैं आया हूँ साई धाम है, इसे देखते हैं श्री साई धाम शिकारपुर। तो फिलहाल मैं इस मंदिर पर आया हूँ और यहाँ से आपको दर्शन करवाता हूँ साई मंदिर का। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, आपको दिखाते हैं क्या क्या यहाँ पर कुछ नया है। देख सकते हैं आप श्री साई धाम शिकारपुर बुलंदशहर का ये क्षेत्र है, बुलंदशहर जिला यहाँ पर। ये देखिए श्री साई धाम शिकारपुर श्रद्धा सबका मालिक है, कितना बेहतरीन ये मंदिर लग रहा है। चलते हैं मंदिर के अंदर, आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या कुछ खास है। और फिलहाल मैं भी पहली बार इस मंदिर में आ रहा हूँ और मैं फिलहाल भैया और कन्हैया लाल जो है वो अंदर जा चुके हैं, बाहुबली भी अंदर जा चुका है। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या क्या है। ये यहाँ पे साई प्रसाद गृह, यहाँ पे आपको प्रसाद मिलता है। और ये देखिए अंदर ये गेट है और ये गेट से देखिए दो शेर हैं और ये अंदर आप एंट्री कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये साई संग्रहालय, पुरानी वस्तुएँ रखी गई हैं यहाँ पर। ये देखिए साई जी का यहाँ पर प्रतिमा भी लगाया गया है और यहाँ पर जो पुरानी टीवी थी पहले आप देख सकते हैं हारमोनियम है और इस तरीके से देख सकते हैं कवच है और ये टेलीफोन है पहले के। इस तरीके से बहुत सारी यहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी गई हैं। ये देखिए पास से ये पहले के समय की कुछ पुरानी यादें हैं जो आपको याद दिलाएंगी। बगल में ये देखिए तमाम ऐसे कलाकृति आपको मिल जाएगी जिसका आप यहाँ से खरीदारी भी कर सकते हैं। और इधर देखिए थोड़ा सा ये पार्क साइड का बना हुआ है और ये देखिए सब पार्क और कितना सुसज्जित ये मंदिर है। और इधर और यहाँ पर ये देखिए और ये मंदिर परिसर और मंदिर परिसर के अंदर ये पार्क है और ये पार्क का कितना बेहतरीन लुक है। और ये देखिए पत्थर से बनाया गया यहाँ पर तोप, डबल डबल यहाँ पे तोप लगा हुआ। ये देखिए मंदिर का मेन गेट जो अंदर आप जा करके यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। देखिए बाहुबली का हम फोटो निकाल देते हैं, बाहुबली का दांत भी टूट गया है पहले। परसेंट में अंदर चल रहे हैं और काफी इंजॉयफुल रहा ये झूला जो था वो अपने आप में गजब सा लग रहा था कि काफी धीमा चला लेकिन काफी चकरियाने लग रहा था। तो चलिए फिलहाल इसे अंदर से चलते हैं, आपको दिखाते हैं। इतना सुसज्जित तरीके से ये बल्ब लाइटिंग किया गया इधर मंदिर में, काफी अच्छा लग रहा है इधर। ये घंटा बजा करके और यहाँ से आप दर्शन कर लीजिए, जय प्रभु। ये देखिए घंटा प्रातः 8 बजे से 8:30 बजे तक गेट के बाहर की तरफ खुले। और ये देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है एकदम बिल्कुल। दूसरे साइड भी देखिए, ये देखिए पार्क बना हुआ है, कितना बेहतरीन लग रहा है। नहीं
एकदम शांत वातावरण और मंदिर का देखिए ये नक्काशी देखिए कितना बेहतरीन तरीके से इसको उभारा गया बनाया गया। ये देखिए दोस्तों फिलहाल आपको दिखाया है कितना बेहतरीन तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है और काफी बेहतरीन इसकी जो डिजाइन है जो लगते हैं पत्थर की जो कलाकृति है वो अपने आप में बहुत ही सुगम और बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरा चारों तरफ से ये पार्क है और काफी यहाँ पर शांत वातावरण है और यहाँ पर आकर इसको समय बिताने से अपने आप में काफी अच्छा अनुभूति होता है। अगर मान लीजिए आप मानसिक दबाव में मानसिक टेंशन में तो आप यहाँ पर आकर कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सामने ही वहाँ पे राधा कृष्ण के भी मंदिर काफी वीआईपी तरीके से बनाया जा रहा है और यहाँ पे हम देखिए भैया भी आए हैं और बाहुबली भी आया हुआ इधर के देखिए पूरा ये लुक कितना बेहतरीन ये मोर और यहाँ पे देखिए ऊपर एक झंडा भी फहर रहा है उधर बगल में आप देखिए एक इधर आपको दिखाते हैं ये देखिए कितना बढ़िया ये देखिए बैठने के लिए बनाया गया है। जैसे आप यहाँ पे आइए यहाँ पे देखिए एक तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे आप आकर के मेडिटेशन भी करते हैं। काफी शांत वातावरण ये मैट और जो है देखिए ग्रीन टाइप का बनाया गया है अच्छा लग रहा है आपने। और ये भी जो है ये गुंबद जो बनाया गया है ये देखिए पूरा लकड़ी और फर्नीचिंग ये फर्नीचर ही लग रहा है ऊपर से इसे। और ये देखिए कितना बढ़िया ये पत्थर का पूरा कटिंग वटिंग एकदम जबरदस्त तरीके से ये भी देखिए पत्थर की कटिंग और काफी वीआईपी ये मंदिर बनाया गया है। ये देखिए इसमें फैन भी लगाया गया है जब आपको गर्मी लगे तो यहाँ पे आप फैन चला करके हाँ। और देखिए उधर देखिए बाहुबली को देखिए हमारे बाहुबली या बहुत सही बाहुबली भी आया यहाँ पे तो चलिए। और ये देखिए बाज ऊपर देखिए दोस्तों ये देखिए बाज मंदिर के ऊपर बस बहुत सही आगे से तो फिलहाल देखिए आगे झूले पर झूले का अरे बाप रे यो बहुत तेज हो अरे लेकिन थोड़ा सा ठीक है फिलहाल लगा था कि गाड़ी में बैठा लो मन का नहीं आला बोली का चलो सर को अब दोस्तों हम और ये देखिए बाहुबली दोनों लोग झूला झूल रहे हैं और ये काफी अच्छा जगह लग रहा है। वैसे भी शाम में आकर के यहाँ पे टाइम स्पेंड करना बोल दो दोस्तों को बोल दो कुछ बोल दो तुम भी दोस्तों के लिए कुछ नहीं बोल पा रहा है बाहुबली बोल दो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सर द्वारिका माँ द्वारिका माई सकते हैं ये देखिए साईं बाबा और यहाँ पे देखिए इनके भक्त ये द्वारिका माता यहाँ बैठी हैं और इनसे देखिए इस तरीके से दर्शाया गया है कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे ज्ञान की बातें चल रही हैं। श्री महालसापति जी हैं श्री तैत्या कोटे पाटिल श्री श्याम राव जाकर और ये हैं श्री लक्ष्मी बाई साईं बाबा के समय का ये देखिए सब यहाँ पे फोटो बनाया गया है और श्री एक विद्यानंद महाराज जी का है और यहाँ पे ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे साईं महाराज के कई सारे यहाँ पे जो प्रतिमा है और फोटो के तो यहाँ पे दर्शाया गया है और यहाँ पे एक छोटा सा घंटा भी बताया गुंबदाकार यहाँ पे देखिए दोस्तों जब लाइटिंग के बाद ये देखिए ये कितना बेहतरीन लुक आ रहा है इसका देखिए पत्थर में ऊंट की जो नक्काशी बनाई गई जो चलचित्र बनाया गया कितना बेहतरीन लग रहा है अच्छा सा एकदम बिल्कुल छोटा ऊंट बड़ा ऊंट फिर उससे बड़ा बाहुबली अपना फोटो खिंचवा रहा है अब मुस्कुरा रहा तो इसका दांत टूटा हुआ दिख जा रहा है तो देखिए मंदिर का ये नजारा कितना बेहतरीन पीछे वाले बैक है ये मंदिर का पीछे वाला एरिया है लेकिन फिर भी काफी बेहतरीन सुशोभित कितना बेहतरीन बढ़िया यहाँ पे पार्क बनाया गया है कितना अच्छा लग रहा है ये कितने लोग यहाँ पे शाम का समय हो रहा है ना तो यहाँ पे काफी सारे लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए यहाँ पे बाहुबली कुछ कहना चाह रहा है क्या कहना चाह रहा है बाहुबली बाहुबली कह रहा है कि चैनल को मतलब जो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाइएगा
और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि जो भी नोटिफिकेशन रहे आपके पास जल्दी से पहले पहुंच जाए। ये सब पौधों से बनाया गया ये डिज़ाइन कितना अच्छा लग रहा है। ये मंदिर परिसर, पीछे वाला है ये छोटा सा बंदर, कितनी बढ़िया इसकी कारीगरी की गई है ये लाइट के लिए। बाल पर इस तरीके से प्रतिमाएं बनाई गई और यहाँ पे सब कुछ लिखा गया कि क्या क्या यहाँ पे साईं बाबा कर रहे थे, कैसे कर रहे थे। जब एक बार बाबा ने देखा कि सांप एक मेंढक को मार रहा था तो उन्होंने सांप को आदेश दिया कि उन्हें छोड़ दें। ये देखिए नीचे लिखा गया, और ये देखिए हर एक दीवार पर ये कारीगरी की गई है इस तरीके से। शाम के समय में देखिए कितने सारे लोग अब धीरे धीरे आ गए यहाँ मंदिर परिसर में। जब हम लोग आए थे उस समय भीड़ बहुत ही बिल्कुल भी नहीं था, हम ही लोग थे उस समय, लेकिन अब देखिए कितने सारे यहाँ पे बच्चे आ गए। और ये देखिए सब लोग अपना कोई फोटो शूट तो कोई खेल रहा है, देखिए ये देखिए अम्मा लोगों को। पुराने समय के कुछ चीज़ें यहाँ पे संग्रहित की गई हैं, बिल्कुल पास से दिखाने को बाबूली बहुत पुरानी घर है। देखिए मंदिर परिसर का विजिट हो गया और मंदिर भी हमने घूमा, काफ़ी बेहतरीन मंदिर है यहाँ पे शिकारपुर में बुलंदशहर में जहाँ पर हम आए हुए हैं घूमने के लिए। ये काफ़ी अपने आप में एक अलग का अनुभूति फील करवाया है ये मंदिर, जो था काफ़ी बढ़िया, काफ़ी साफ सफाई वाला मंदिर था और काफ़ी दिल को सुकून देने वाला ये मंदिर था साईं मंदिर, तो ये काफ़ी बढ़िया लगा है। तो चलिए दोस्तों आज का जो ब्लॉग है यहीं पर हम समाप्त करते हैं, फिर आप बने रहिएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।